चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर 30 अगस्त को सॉफ्ट रूप से लैंड किया, जिसके मेनली दो पार्ट है। पहला है प्रज्ञान रोवर, दूसरा है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर एक स्थान पर स्टेबल रहता है। जिस स्थान पर पहली बार विक्रम लैंडर ने लैंड किया उसे हम शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, जबकि प्रज्ञान रोवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके वहाँ की जलवायु, तापमान और अनेक प्रकार के सिस्मिक घटनाओं को मेजर करने का काम करता है। प्रज्ञान अपने स्थान से लगभग 100 मीटर इधर उधर मूव किया और अब उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि मून पर 14 दिन लूनर डे और 14 दिन लूनर नाइट होता है। दूसरा कारण है कि मून के साउथ पोल पर सीधे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ पर 6 से 8 दिन ही अच्छे से सूर्य की रोशनी पड़ पाती है। अब पुनः सूर्य की रोशनी 22 सितंबर को मून के साउथ पोल पर पड़ेगा, तो प्रज्ञान रोवर को 22 सितंबर को स्लीप मोड से बाहर किया जाएगा। इससे पहले ये देखना होगा कि प्रज्ञान रोवर मून के ठंड को झेल पाएगा। अगर प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं विक्रम लैंडर को अपने स्थान से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठाकर 37 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर पुनः लैंड कराया गया। ये जब विक्रम लैंडर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लैंड कराया जा रहा था, ये तब का वीडियो है। दो हजार 2019 में जब चंद्रयान 2 को मून पर लैंड कराया गया था तो विक्रम लैंडर में 5 इंजन लगाया गया था, फिर भी वह मिशन फेल हो गया। इस विक्रम लैंडर में केवल 4 इंजन लगाया गया है, फिर भी ये मिशन सफल रहा। ऐसा केवल चाइना ही कर पाया जो मून के रॉक को इकट्ठा करके पुनः पृथ्वी पर लाया है। विक्रम लैंडर के पुनः लैंडिंग के बाद ऐसा भारत भी कर सकता है।